नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मज़े में हैं। तो रात को भैया हमारी गाड़ी का टायर फट गया था, तो अभी हमने सोचा कि चारों टायर चेंज करा देते हैं। मोंडी भाई नीचे हैं, तो हमारी जो धर्म पत्नी है वो प्रोटीन लेके आ चुकी है। मैं क्या कह रही थी, मेरा चेहरा देखो अच्छा लग रहा है ना? पास आ रहा थोड़ी। हाँ ठीक है, क्या है ना? हाँ। पहले से सुंदर होगी ना? सुंदर तो पहले भी थी। नहीं मतलब अभी स्किन ठीक हो रही है ना? हाँ। पल जा रहा हूँ मैं। ओके बेबी। ध्यान रखना। गाड़ी चाबी दो, गाड़ी चाबी। तो हमारी बिल्डिंग की दो लिफ्ट है, एक खराब है पिछले 3 दिन से। तो मौसम बहुत ही जबरदस्त है और हमारे मीत और यश वो खड़े, मोंटी भाई फोन पे लगे हुए हैं कुछ बात बात करने के लिए। तो मीत, कल का दिन कैसा था? बहुत बढ़िया था भाई, मजा आया। रात को तो मोंटी भैया आ गए। मोंटी भैया का एक्सपीरियंस आपको पता ही है, कैसे हो मोंटी भैया? बहुत बढ़िया भैया, चले भाई। जबरदस्त बारिश आ रही है, मौसम हो गया है बहुत चिल्ड, हवा चल रही है, हवा के साथ बारिश भी आ रही है। भाई एक बात बताओ, बारिश के टाइम ट्रैफिक ज़्यादा क्यों हो जाता है? हर आदमी को घर जाने की जल्दी होती है, हर इंसान चाहता है कि मैं पहले निकल जाऊँ, और उतना ही वो लेट हो जाता है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, कुछ जाहिल होते हैं जिनको गाड़ी मतलब नई नई सीखती होती है, मतलब हर चौथा आदमी क्या है नया होता है गाड़ी सीखने में, तो उसकी ड्राइविंग थोड़ी सी उल्टी पुल्टी होती है, जिसके कारण ना पूरा जाम लग जाता है। तो भैया टायर चेंज करने से पहले हम आ गए यहाँ पे, टायर वहाँ पे चेंज हो रहे हैं, ज़बरदस्त सा खाना खाएंगे। मोंटी भाई ने ऑर्डर किया है, तो मैंने भैया थोड़ा सा हेल्दी फूड किया है, मोंटी भाई ने थोड़ा सा मज़ेदार। क्या ऑर्डर किया बता दो। मैंने चिकन करी, दाल मखनी और रोटी। और आपने क्या किया आप भी बता दो। जो आएगा भैया, अभी थोड़े से शर्मीले हैं हमारे भाई, थोड़े दिन में बोलना सीख जाएंगे, तो तब तक आराम करते हैं, खाना आएगा वो खा के फिर जाते हैं गाड़ी की तरफ। फिर तो गाइस मज़ेदार सा खाना आ गया है, खा के बताते हैं आपको कैसा है। बाकी मोंटी भैया ने ऑर्डर किया है तो ज़बरदस्ती होगा, बाकी आप भी देख लो थोड़ा सा। तो भैया खाना डन हो गया, खाना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। गाइस एक ज़बरदस्त डिश आई है, और डिश का नाम क्या दादा? सिजलिंग ब्राउनी। सिजलिंग ब्राउनी। तो भैया देख लो थोड़ा पास से, और ये खाएँगे, ये देख लो, यश खाएगा और हमारा कहाँ गया मीत, कहाँ गया मीत भी खाएगा। ये मीत और यश को खिलाएंगे क्योंकि कमज़ोर हो गए ज़्यादा। तो गाइस एक बार ज़रूर ट्राई करना, ज़बरदस्त लगा। मैं मीठा बहुत कम खाता हूँ, पर देख रहे हो पूरा समाप्त कर दिया। अभी जो हमारे दो छोटे भाई हैं वो निपटाएंगे, अभी निकलते हैं, गाड़ी का हाल देख लेते क्या है। तो ये चंडीगढ़ सेक्टर कौन से में, ये एड्रेस बताओ। सेक्टर 21 डाउन टाउन। तो गाइस हमारी गाड़ी का काम चल रहा है, तो नए टायर अभी डल जाएंगे इसके अंदर, उसके बाद मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगा कैसा है, ज़बरदस्त वाला। यह भी ठोकी है क्या? यह भी ठोकी है इन्होंने, यह भी ठोकी है ना, ये अभी ठोकी है ना। तो गाइस बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, मतलब बाल बाल बच गए मोंटी भैया के, यहाँ पे काम कर दिया कबूतरों ने। क्या हो गया है, बहुत बुरा हुआ सुबह सुबह। कमेंट करके बताना आप किस किस लोगों के साथ ऐसी भी मिस हैपनिंग हुई है ना। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो गया है, तो इसको साफ कर लेते हैं। मोंटी भाई बहुत खुश लग रहे हैं, मुझे बहुत खुश लग रहे हो, खून का बदला खून। तो देख रहे हो हाथों हाथ मेरा भी काम हो गया है। थैंक यू मोंटी भैया, थैंक यू सो मच। ये होता है प्यार, ऊपर वाला भी बराबर का प्यार देता हम दोनों को, देख रहे हो। तो गाइस अब रोज़ आपको चंडीगढ़ घुमाएंगे, चंडीगढ़ की जो जो हिडन जगहें हैं जो मैंने नहीं देखी वो हमें दिखाएगा यश और मीत। तो बने रहना मेरे साथ, और अब व्लॉगिंग थोड़ी सी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी क्वालिटी वाइज। तो करते हैं शुरू। बस अभी थोड़ी हवा डलवा लेते हैं, हमारे भाई लगे हुए हैं आगे, सर्दी हो या गर्मी इतनी मेहनत करते हैं यार। जब भी आप हवा भरवाओ ना इनसे, तो जो आपकी इच्छा हो आप इनको दे दिया करो यार, अच्छा लगेगा आपको भी इनको भी।
क्या क्या किया तुमने पीछे से बोलो। कुछ नहीं हमने किया। कुछ नहीं किया गुड्डू, आप गए तो हमने पहले थोड़ा सा सामान निकाला था वो नीचे रख के आए, फिर राजा रानी से मिल के आए, खाना खाया, फिर बिस्तर में घुस गए। तबीयत ठीक है उसकी? राजा रानी, हाँ, रानी सही है, बेटर वो है। एक्चुअली क्या मैंने बताया था ना, तो जबरदस्त चाय आ गई है, सर्दियों में चाय बहुत जरूरी है जी, बिल्कुल ठंड को भगाने के लिए चाय बहुत जरूरी है। क्या बोलते मुंडे भैया, चाय की जरूरत थी भैया, ठंड बहुत है। चाय का मजा ले रहे हैं, चुस्किया ले रहे हैं चाय की भैया, और आज का जो हमारा एक्सपीरियंस था गाड़ी में टायर वायर डलवाने का वो बिल्कुल डिफरेंट था। बारिश आ रही थी, अंदर भी नहीं बैठ सकते क्योंकि जिस दुकान में हम गए थे वहाँ भी ठंड थी, कोई हीटर नहीं था, आने जाने वालों का काफ़ी लगा हुआ था, तो फिर हमने बाहर खड़ा होकर सारा काम करवाया। मैंने भी करवाया, मोंटी भैया ने ज़्यादा करवाया, मेरे को तो फिर भी मोंटी भैया कह रहे तुम अंदर चले जाओ अंदर चले जाओ, तो चाय पीते इसी खुशी। हमारा चाय बाय हो गया कम्प्लीट, तो अभी हमारी जो मोहतरमा हैं वो जाएंगी बाहर कॉफ़ी पीने, आजकल उनको घर की कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती तो भेज देते हैं उनको। हाँ भाई, कॉफ़ी भी पीनी है और ना बहुत सारी ड्रेसेस पड़ी हैं यार, और हम कर नहीं पा रहे हैं शूट ना, क्योंकि ब्लाउज वगैरह है, सूट्स वगैरह वो भी स्टिच कराने हैं। भैया ये पायल ने डाली है मेरे लिए पंजीरी जबरदस्त वाली, देख लो, एक शॉर्ट्स बनाने जा रहा हूँ मियाँ बीवी के लिए, हंसी रुकेगी नहीं, लड़कियां हो गई हैं तैयार। बताना जुड़वा मूवी किस किस ने देखी है, तो हमारे घर भी जुड़वा है, तो हमेशा की तरह सेम कपड़े अलग अलग कलर, ये जो डिजाइन है ये जो कपड़े इन्होंने पसंद करे हमारे लिए बिल्कुल। बाहर का मौसम इतना ज्यादा जबरदस्त है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और जो हमारी दोनों जुड़वा आंटियां थी तो घर नहीं जा पा रही थी, हम भी बाहर थे, दोनों चाबियां हमारे पास थी, गाड़ी आई है फिर वो आज मजे में गाड़ी में गई है। नहीं हाँ आंटी गई हैं बिल्कुल मजे में एकदम, बहुत ठंडा है बता रहे हैं, बहुत ठंडा है, मैं बाहर जाकर देखो भी ठंड नहीं लग रही है। हम ऐसे आते नीचे से हैं, हम ऐसे आते हैं नीचे से, इतने ठंड दाग भी लगा दिया इसमें। मौसम बहुत ही गजब का है, पर आपको मेरे बालों से अंदाजा लग ही रहा होगा कितनी हवा चल रही है जबरदस्त वाली, देख रहे हो कमाल है। तो पहले के जमाने में शादी होती थी तो बैंक्वेट हॉल वगैरह नहीं होते थे ना, तो ओहो किसी की शादी में जैसे बारिश हो जाती थी पूरा टेंट वेंट लोग गीले ये वो। हाँ ये इसने पता क्यों लिया है, इसने यूट्यूब पे देखा था, ये एक बच्ची नहीं यूट्यूब पे नहीं देखा था मैंने, कहा अच्छा देखा ये साफ हो जाता है और इसमें डिजाइन भी बनते हैं, दिखा बेटा कुछ, अच्छा अपना नाम लिख कर दिखाना। और भी एक जबरदस्त सी वीडियो अपलोड हो रही है, हंस हंस के पेट में दर्द हो जाएगा, देखना ज़रूर। तो भैया एप्पल एप्पल आ गए, थोड़े एप्पल खा लेते हैं, रात को भूख लग रही थी तो और कुछ खाने का दिल नहीं किया मेरा, तो मैंने एप्पल खा लिया। चीकू आपका भी दिल कर रहा है एप्पल खाने का? नहीं मेरा केला खाने का। तो ले लो केला खा लो। तो भैया खाना वाना कम्प्लीट हो गया, थोड़ी देर लाइव स्ट्रीम करेंगे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, अगर किसी को जितने भी यूट्यूब पर मुझे देख पा रहे तो बायो में इंस्टा आईडी है उसका फॉलो कर लेना, तो वो कभी ना कभी आपसे लाइव पे जरूर बात होगी। क्यों तंग कर रहा है मम्मी को? किचन में बैठ के टीवी कार्टून देखने? नहीं बेटा काम करने दे मम्मी को, क्या कह रहा है? किचन में बिठा दो कह रहा है। नहीं नहीं गलत बात है, कह रहा है किचन की सेल्फ पे बिठा दो मुझे। ऐसे क्यों भाई? पापा मैं खुद भी बैठ जाता हूं, मैं सच में किचन विचन से दूर रखे पायल, गरम गरम करके किचन में गैस होती है, किचन में गैस है, दूध। अच्छा सुनो चीकू के ना जैसे मेरे यहाँ पे ये नहीं है गुड्डू, चीकू को भी हो गया का? ये रुको ये रहा। कुछ कहना चाहते हैं आप? गोलो कैसे हो? हम अच्छे हैं, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। और क्या कर रहे हो, खाना खाया आपने? हाँ खाना खा लिया, बस मैं कुछ नहीं फोन पे लगी हुई थी, बैठी हुई थी। प्लीज हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो ना प्लीज, एक बार मैसेज करो कुछ। एक्चुअली क्या होता है कि वीडियो कॉल पे तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, बट मैसेजेस में क्या होता है बहुत सारे मैसेजेस होते हैं तो हम लोग भी नहीं देख पाते मैसेजेस, तो दिखते नहीं तो इसलिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बाकी तो सारे के सारे घमंडी कोई नहीं उठाता, बहुत अच्छे हो, आप ही ज्यादा अच्छे हो। थैंक यू सो मच। आप उठाते हो, आप ही कर लेते हो। और बढ़िया, सब बढ़िया। हम तो भैया व्लॉग बना रहे हैं, देख रहे हो व्लॉग बना रहे हैं हम तो अभी भी, कल यूट्यूब पे डालेंगे। मैंने बहुत देर रिक्वेस्ट डाल रखी थी, मेरे का लग रहा है आज एक्सेप्ट हो जाएगी मेरी। और भाई साहब रील में भी थे भाई साहब? हाँ ये वही है, वही उस दिन थे जो
भाई आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार बाबा, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखते सेफ।